हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आजकल मैं छत में चली जाती हूँ घूमने, तो ऊपर की सफाई भी साथ में कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पप्पी की पॉटी में मिट्टी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोसी लोग हमें इसे बाहर पॉटी नहीं करवाने देते हैं, झगड़ा मचाते हैं। तो फिर हम इसे घर में ही करवा देते हैं पॉटी, और फिर बाहर फेंक देते हैं। तो लोगों की सोच का भी देखिए क्या है, कि बाहर के कुत्तों को तो करने देते हैं लैट्रिन, लेकिन घर के जो होते हैं पप्पी डॉग वगैरह, उनकी पॉटी में ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो बड़े शर्म की बात है, लेकिन क्या करें, रोज़ के झगड़े से अच्छा है कि हम इसे घर में ही पॉटी करवा देते हैं। हालांकि हम फेंकते आसपास ही हैं, फिर भी पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ़ है कि इसे रखने से वो हमें मतलब परेशान करते हैं, इसका कुछ भी बाहर फेंकने नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सुबह की सफाई करें, तो अपने जो बिल्कुल आगे की छत है, कमरे के आगे जो छत होती है, घर के बाहर की जो जगह होती है, उसे ज़रूर साफ़ करें। सबसे पहले उसको साफ़ रखें। कहते हैं बाहर से ही लक्ष्मी आती है, तो बाहर की सफाई देखकर ही लक्ष्मी आती है हमारे घर में। इसलिए बाहर ज़रूर साफ़ करें, अपनी छत के आगे, अगर कमरे छत में हैं तो छत में छत की सफाई करें, या कमरे के आगे से बिल्कुल। तो यहाँ आ गई हूँ मैं नीचे, और मेरा जो डेली का काम है वो ही कर रही हूँ। एमी की खिचड़ी बनानी है, गर्म पानी करना है, वो शुरू से ही मेरे सुबह से काम हो जाते हैं शुरू। तो पहले मैं बस छत में घूम कर आती हूँ, और उसके बाद मैं एमी की खिचड़ी को ठंडा करती हूँ। तो इसकी खिचड़ी भी मैं साथ में ही ठंडी कर लेती हूँ। जब मैं गर्म पानी लेती हूँ, तब मैं जिस भी रूम में बैठती हूँ उसमें इसकी खिचड़ी को ठंडी कर देती हूँ, जैसे कि आपको मालूम है। तो बस मैं आज आगे के रूम में बैठ रही हूँ। आगे के रूम में बाहर का सब नज़ारा दिखता रहता है, तो मैं कई बार आगे बैठ जाती हूँ, क्योंकि पीछे के कमरे में अभी बेटा सोता रहता है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बहू गई हुई है तो बेटा यहीं सोता है, तो नीचे सो रहा है वो पीछे वाले कमरे में, तो मैं आगे वाले कमरे में बैठ गई हूँ। मेरा ये मानना है कि कच्ची नींद जिसकी भी होती है, मेरी भी कच्ची नींद है, तो मैं ज़रा सी भी खटपट नहीं करना चाहती हूँ। अगर कोई सो रहा है तो मैं ज़रा सी भी खटपट नहीं करती हूँ। तो खिचड़ी को भी मैंने यहीं ठंडा कर दिया है, और गर्म पानी के साथ ही खिचड़ी भी ठंडी हो जाएगी एमी की, और एमी को दे देंगे, क्योंकि वो सुबह पॉटी वोटी करने के बाद लेती है खिचड़ी। तो यहीं पर मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ अपनी हनुमान चालीसा करने, अपने भगवान के नाम लिखने के लिए। और सुबह मैं लगातार ये अपने तीनों काम कर लेती हूँ, जैसे हनुमान चालीसा, भगवान के नाम लिखना, और फिर भगवान की पूजा करना। तो मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, अपने भगवान के नाम लिखती हूँ, इतनी देर में मेरे हस्बैंड ठाकुर जी की सेवा कर देते हैं, और थोड़ी ही देर में बेटा भी उठ जाता है। बहू होती है तो वो आ जाती है नीचे, और फिर वो भी चाय चढ़ा देती है। तो अभी बहू नहीं है, तो मैं बस अपने ये काम पूरे करके, और फिर मैं भी चाय बना लेती हूँ पूजा वगैरह करके। तो इस सुबह लगातार मेरे ये काम हो जाते हैं, पूजा के, और मतलब पाठ करना है या भगवान के नाम लिखना है। थोड़े बहुत भगवान के नाम रह भी जाते हैं तो बाद में लिख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है मेरे पास। जल्दी उठती हूँ, हमेशा की आदत है जल्दी उठने की, तो मेरे ये काम शुरू से ही हो जाते हैं। क्योंकि जब ये सर्विस में थे तो मैं जल्दी उठा करती थी, और जब मैं कुंवारी थी तब भी पढ़ाई के लिए जल्दी उठा करती थी, तो आदत वो ही है। सब मुझे बोलते भी हैं इतनी जल्दी क्यों उठते हो, लेकिन बस जो आदत है कि नींद खुल जाती है तो उसके बाद वापस जाके मुझे बेड पे नहीं सोया जाता, मैं अपने काम शुरू कर देती हूँ। उसके बाद मैं चाहे कितना भी रेस्ट कर लूँगी, लेकिन पहले अपने काम करती हूँ। जब मेरे सारे काम हो जाते हैं तो फिर चाहे मैं कभी भी सोऊँ, कुछ भी करूँ, बस एक बार मेरे काम हो जाने चाहिए, मैं किसी भी काम को
छोड़कर नहीं सोती, अपना काम करके ही अपना मोबाइल भी जब भी हाथ लेती हूँ जब मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ तुलसी जी में मैं पानी डाल रही हूँ और पत्तों में भी पानी थोड़ा सा छिड़क दूँगी क्योंकि पत्ते भी हरे भरे हो जाते हैं। तो सुबह चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है, छत पे जाती हूँ तो भी, और नीचे भी बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो बस मैं सुबह एक बार झाड़ू भी दे देती हूँ, जैसे कि आपको मालूम है कि एक बार घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए, तो एक बार पाँव में मिट्टी वगैरह नहीं आती, उसके बाद आप चाहे कितनी भी डस्टिंग करके सफाई करें या कुछ भी करें, लेकिन एक बार झाड़ू लगा दें जिससे साफ़ रहे बिल्कुल, और बिल्कुल आगे के कमरे के आगे भी साफ़ करते हैं, अपने जो रैंप वगैरह हैं उनको भी धो लें। तो सुबह सुबह ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और सभी घरों में होती रहती है, यही काम चलते रहते हैं कि कोई आगे के जो घर के आगे है रैंप वगैरह उसमें छिड़काव दे रखता रहता है, तो कोई धोता रहता है, तो ये जो सुबह का टाइम है बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह ये काम ज़रूर करें जल्दी उठकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कल मेरी तबीयत खराब थी, पेट में बहुत दर्द था, तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज बना रही हूँ। कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बहुत तो अब इतने सारे काम करके अब चाय का नंबर आया है हमें बना रही चाय, क्योंकि आज है मंगलवार और हमारे सबके व्रत है, बेटा नहा रहा है और मैं चाय बना रही हूँ। दूध में काफी मोटी मलाई आती है, तो इसको मैं इकट्ठा करके फिर घी निकाल लेती हूँ, या तो 15 दिन से या फिर 7-7 दिन में निकाल लेती हूँ। Thank you.
तो आज मैंने थोड़ी सी फ्रिज की सफाई की। मैं हाँ 2-3 दिनों के अंदर करती रहती हूँ, तो मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। तो जैसे जब भी कोई व्रत हुआ या खाना बनाने वाला मान लो टाइम नहीं होता, जैसे कहीं हमें जाना है या कोई व्रत है तो हमें खाना जैसे नहीं बनाना होता है, तो उस वक्त ऐसा काम निकाल लें जो आपका पेंडिंग पड़ा हो। तो मेरा फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था, तो थोड़ा बहुत मैंने उसको साफ किया। तो आज मंगलवार है, खाना बनाना नहीं था। अब सावक बना रही हूँ बस, और खिचड़ी बना रही हूँ एमी की। और हमारे यहाँ डॉग सेलिंग का भी काम है, और डॉग जो हॉस्टल होते हैं वो भी, उसका भी काम है। हम डॉग भी रखते हैं, जैसे किसी को कहीं जाना हो तो वो डॉग हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं। तो आज हमारे यहाँ एक डॉग और आया है, और वो जो पहले हमारे क्लिनिक था उसमें रखा है हमने, वो रूम हमारे खाली है, इसलिए उसमें हम जो भी डॉग आता है रखने, बाहर से रखने के लिए, तो उसको वहां रख देते हैं। तो उसका खाना भी बन रहा है, उसकी भी खिचड़ी ऐसी ही बनेगी। रोटी उसकी मैंने बना दी है, वो रोटी भी खाता है। तो मेरी पप्पी है वो रोटी नहीं खाती है, वो खिचड़ी ज्यादा खाती है। तो उसके लिए, ऊपर वाले डॉग के लिए बनाई है मैंने रोटी, और खिचड़ी भी बनाई है सोयाबीन और आलू के साथ। तो आज थोड़ा काम कम था खाने का, तो मैंने आज थोड़ा सा फ्रिज साफ कर लिया। तो जब भी आपके काम कम हो उस दिन आप कोई अपना पेंडिंग काम है उसको पूरा कर लें। तो अब मैं बना रही हूँ सांभर, क्योंकि टाइम हो रहा है, 12:15 बज रही हैं। थोड़ी देर में बेटा आएगा, क्योंकि दोनों डॉग संभाल लें, ये पप्पी भी उसके बिना भौं भौं करती रहती है और उसको भी संभालना है, तो वो थोड़ा जल्दी आएगा। तो मैं बना रही हूँ सांभर। ये देखिए घिया आए हैं, ये मेरा पप्पी भी खाती है, मतलब मेरी पप्पी मेरी एमी घिया खाती है कच्चा, और जो ऊपर डॉग आया है वो भी खाता है। 5 किलो अभी आलू मंगवाए हैं मैंने, एक साथ मंगवा देती हूँ मैं, तो ये कच्चे आलू भी खाते हैं और कच्चे घिया भी खा लेते हैं। जब इनको बीच बीच में भूख लगती है तो वो काट के दे देते हैं। बहू होती है तो वो दे देती है, और मैं हूँ तो मैं फिर संभालती रहती हूँ। बेटा थोड़ा टेंशन कर रहा था मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, मैंने बोला जब एमी का काम होता है साथ में उसका भी हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। हाँ, व्रत में मैं अच्छे साफ घी का मतलब सामक बनाती हूँ, जो रोटी वगैरह में लगाते हैं उस घी को नहीं डालती हूँ, तो उस घी को साफ जो घी है उसको डालती हूँ। तो सावक मेरे बन जाएंगे, अब मैं सावक छोंक दूंगी। अच्छे से घी में अच्छे बनते हैं ये, ज़्यादा घी के अंदर अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं जब हम इसे ज़्यादा घी डालकर बनाते हैं और इसमें और फिर घी डालकर खाते हैं, तो सावक बहुत अच्छे लगते हैं। तो सावक के बाद मेरा काम हो जाएगा अभी का। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों।